गली गली परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा, यात्रा चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। हाथ जुड़ेंगे जब अब नहीं।
मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है। हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया लड़ाना है। लड़ाना है। ए, तरक्की कने हथ
मनाना है, मस धोक दांत बदाना है। बोलो सारे कन्ने कौन चलक, बोलो सारे कन्ने कौन चलक, कौन चलक उन सारे कन्ने। लोहड़ी जो है पंजाबियों का प्रसिद्ध त्यौहार है और ये पंजाबी और देशवासी बहुत धूमधाम से ये त्यौहार को मनाते हैं। और घर में अगर कोई नई बहू आती है या फिर जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको आने की खुशी में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में ये तिल के लड्डू भी बांटे जाते हैं। लोहड़ी से कुछ दिन पहले बाजारों में खरीदारी शुरू कर देते हैं
मूंगफली, रेड़ी और गुड़ लेके लोहड़ी को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन रात को लकड़ियों को लेकर उबले जलाकर उसमें पूजा की जाती है। उसके बाद में उसके इर्द गिर्द घूमकर गाने गाते हैं और डीजे से और ढोल की तार पे पंजाबी नाचते हैं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अग्नि में मूंगफली रेड़ियां डालकर आसपास में घूमकर बहुत धूमधाम से मनाते हैं। किसान बहुत धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि ये जो सर्दियों का सीजन है, सर्दियों के सीजन के बाद में गर्मियां शुरू हो जाती है, उसमें किसान प्रार्थना करते हैं कि हमारी फसलें जो है आगे के तरफ पकेगी वो बढ़िया हो। इस बार हमारी खुशकिस्मती है कि भारत जोड़ो यात्रा भी लोहरी के टाइम पे ही पंजाब में रहेगा, तो पंजाब के लोगों के साथ हमारा सौभाग्य होगा कि हम उनके साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाएंगे। उनकी खुशियों में हमें भी शामिल होने का इस बार मौका मिला है। और मेरी बहनें जो गिद्दा डालती हैं, लोहड़ी लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी, जोड़ी दा व्याह सानू गोड़े गोड़े चा। भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से मैं जाबर शेरावत सभी देशवासियों को और किसान परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से देशवासियों को और पूरे किसान परिवारों को लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूं। यात्रा के दौरान राहुल जी से बहुत अच्छी मुलाकात रही और हमने देखा कि उनके अंदर जो विशेष ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है और जिसको हम कहते थे सन ऑफ द सोयल कि जमीनी नेता है, उस तरह का एक आभास हमें हो रहा है कि जमीन से जुड़े हुए जो सब लोगों को साथ लेके बिना किसी भेदभाव के इस प्रकार का, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत हिम्मत का काम है। मुझे बताया गया कि वो सुबह 3:30 बजे उठ के 3 किलोमीटर वॉक करते हैं, 7 किलोमीटर वॉक करते हैं, 3 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं और कुल 10-12 किलोमीटर करके, इसीलिए उनको सर्दी नहीं लग रही। सर्दी के मौसम में एक आधी बाजू की टी शर्ट में लोग पूछते हैं क्या राज है, तो अंदर की छुपी हुई इच्छा शक्ति और ऊर्जा का स्तर है जो उनको इतनी कामयाबी दे रहा है और जो जन समर्थन उनको मिल रहा है। मैं पैरामिलिट्री की ओर से जो हमारा CRPF, BSF, ITBP, SSB और CISF, आसाम राइफल, ये सारे अर्धसैनिक बल हैं जिनको पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, उन सब का समर्थन राहुल जी के साथ है क्योंकि हमारे अर्धसैनिक बलों की कोई पहचान। ला ला है
परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा, भारत जड़ा यात्रा चली।
चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। हाथ जुड़ेंगे जब, देश जुड़ेगा तब, डर का ये माहौल मिट सकेगा तब। अब नहीं तो कब, 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 अब नहीं तो कब। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली, भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली। बंद हो धर्म की राजनीति, अब नहीं तो कब, बंद हो नफरत की ये नीति, अब नहीं तो कब, महंगाई का खड़ा फूटे, अब नहीं तो कब, बेरोजगारी का चक्कर छूटे, अब नहीं तो कब, साथ होगा जब, प्यार होगा जब, एकता की डोरी हाथ। उठन मुश्किल आले मौसम मिलन, बद दे कदम नी रुकी पाने उड़, कोई रोकी सकदा है रोकी ले। आवास है भरोसा है लोके ते मने दी आस है, कोई तोड़ी नी सकदा सही ए अधकन जुड़दा अथ है। अस दिल दी सुनिए निकले दे, इस देश ने दिती आवाज है। बोलो सारे कन्ने कौन चलक, बोलो सारे कन्ने कौन चलक, कौन चलक उन सारे कन्ने। इक तेरा कदम, इक मेरा कदम, मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन, मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। लखा रंग समेटे दे इंद्रधनुष दा वेश, कन्याकुमारी थों कश्मीर तक जुड़े दा मेरा देश। नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च, शांति दे फुल खलारने एक परी पार्टी च, महंगाई की चुकाई मनना है, मनना है, बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना है, लड़ाना है, तरक्की कन्ने हाथ मलाना है, असें धोख दा हाथ बदाना है। बोलो सारे कन्ने कौन चलक, बोलो सारे कन्ने कौन चलक, कौन चलक उन सारे कन्ने। इक तेरा कदम, इक मेरा कदम, मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन, मिली जाए भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली चली
मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है। हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया आवाज है। बोलो साथ हमारे कौन चले, महंगाई की चुकाई मनना है।
चलाना है, मसे धोक दांत बदाना है। बोलो सारे कन्ने कौन चलक, बोलो सारे कन्ने कौन चलक, कौन चलक उन सारे कन्ने। उठन मुश्किल आले मौसम मिलन, बदते कदम नी रुकी पाने उन, कोई रोकी सकदा है रोकी ले। आवास है परोसा है लोके ते मने दी आस है, कोई तोड़ी नी सकदा सही ए अथकन जुड़दा अथ है। अस दिल दी सुनिए निकले दे, इस देश ने दिती आवाज है। बोलो सारे कन्ने कौन चलक, बोलो सारे कन्ने कौन चलक, कौन चलक उन सारे कन्ने। नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च, शादी दे फुल खलारने एक बड़ी पार्टी च, मंगाई की चुकाई मनना है, मनना है। बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना लड़ाना है, तरक्की कन्ने हथ मलाना है, असे धोक दा हथ बदाना है। सारे कन्ने कौन चलक, बोलो सारे कन्ने कौन चलक, कौन चलक उन सारे कन्ने।
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया भारत जोड़ो यात्रा चली भारत की गली गली
I'm
दिल दी सुनिए निकले दे इस देश ने दिती आवाज बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक कौन चलक उन सारे कन्ने नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च शांति दे फूल खलारने एक परी पार्टी च मंगाई की चुकाई मनना है मनना है बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना है लड़ाना है तरक्की कन्ने हाथ मलाना है असें धोख दा हाथ बदाना बोलो सारे कन्ने कौन चलक कौन चलक उन सारे कन्ने
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया परिवर्तन की हवा चली जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा यात्रा चल रहे हैं हम सुन रहे हैं हम देश की राहों में
अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया लाना है
असे धोक दाथ बदाना है। बोलो सारे कन्ने कौन चलक, बोलो सारे कन्ने कौन चलक, कौन चलक उन सारे कन्ने। मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है। हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया उठन।
मुश्किल वाले मौसम मिले बद दे कदम नी रुकी पाने उन कोई रोकी सकता है रोकी ले आवास है भरोसा है लोकें दे मने दी आस है कोई तोड़ी नहीं सकता सही ए अंधकन जुड़े दा अथ है अस दिल दी सुनिए निकले दे इस देश ने दिती आवाज है बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक उन सारे कन्ने एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिली जाए जुड़ी जाए चली भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली लखा रंग समेटे दे इंद्रधनुष का भेष कन्याकुमारी तो कश्मीर तक जुड़े दा मेरा देश नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च छाती दे फुल खलारने मंगाई की चुकाई मनना है बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना तरक्की कन्ने हथ मलाना है असें थोक दा हथ बदाना है बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक चलग उन सारे कन्ने एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली
जान उठन मुश्किल आले मौसम मिलन पद दे कदम नी रुकी पाने उन कोई रोकी सकदा है रोकी ले आवास है परोसा है लोकें दे मने दी आस है कोई तोड़ी नी सकदा सही ए अधकन जुड़ेदा अथ है अस दिल दी सुनिए निकले दे इस देश ने दिती आवाज है बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक कौन चलक उन सारे कन्ने नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च शादी दे फुल खलारने एक परी पार्टी च मंगाई की चुकाई मनना है मनना है बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना है लड़ाना है तरक्की कन्ने हथ मलाना है असे धोख दा हथ बदाना है सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक उन सारे कन्ने ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में हम अमन के फूल खिला
लोहड़ी जो है पंजाबियों का प्रसिद्ध त्यौहार है और ये पंजाबी और देशवासी बहुत धूमधाम से ये त्यौहार को मनाते हैं। और घर में अगर कोई नई बहू आती है या फिर जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको आने की खुशी में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में ये तिल के लड्डू भी बांटे जाते हैं। लोहड़ी से कुछ दिन पहले बाजारों में खरीदारी शुरू कर देते हैं मूंगफली रेड़ी और गुड़ लेके। तूफान उठन मुश्किल आले मौसम मिलन बद दे कदम नी रुकी पाने उड़ कोई रोकी सकदा है रोकी ले आवास है परोसा है लोके ते मने दी आस है कोई तोड़ी नी सकदा सही ए अंधकन जुड़दा अथ है अस दिल दी सुनिए निकले दे इस देश ने दिती आवाज है। बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक उन सारे कन्ने इक तेरा कदम इक मेरा कदम मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन मिली जाए तक जुड़े ता मेरा देश नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च छाती दे फुल खलारने एक परी पार्टी च मंगाई की चुकाई मनना है बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना तरक्की कन्ने हथ मलाना सारे कन्ने इक तेरा कदम इक मेरा कदम मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली।
चली चली भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झाखो रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे उठन मुश्किल आले मौसम मिलन बद दे कदम नी रुकी पाने उड़ कोई रोकी सकदा है रोकी ले आवास है परोसा है लोकें दे मने दी आस है कोई तोड़ी नी सकदा सही ए अधकन जुड़ेदा अथ है अस दिल दी सुनिए निकले दे इस देश ने दिती आवाज है बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक कौन चलक उन सारे कन्ने जोड़ो यात्रा चली लखा रंग समेटे दे इंद्रधनुष का वेश कन्याकुमारी थां कश्मीर तक जुड़े दा मेरा देश नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च शांति दे फु
की चुकाई मनना है, बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना है, तरक्की कन्ने हथ मलाना है, मसे धोख दा हथ बदाना है। बोलो सारे कन्ने कौन चलक, बोलो सारे कन्ने कौन चलक, चलग उन सारे कन्ने। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ी जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ी जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली। उठन मुश्किल वाले मौसम मिलन, बद दे कदम नी रुकी पाने उड़, कोई रोकी सकदा है रोकी ले। आवास है भरोसा है लोके ते मने दी आस है, कोई तोड़ी नी सकदा सही ए अथकन जुड़े दा अथ है। अस दिल दी सुनिए निकले दे, इस देश ने दिती आवाज है। बोलो सारे कन्ने कौन चलक, बोलो सारे कन्ने कौन चलक, कौन चलक उन सारे कन्ने। नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च, शादी दे फुल खलारने एक परी पार्टी च, मंगाई की चुकाई मनना है, मनना है। बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना है, लड़ाना है। तरक्की कन्ने हथ मलाना है, मसे धोख दा हथ बदाना है। बोलो सारे कन्ने कौन चलक, बोलो सारे कन्ने कौन चलक, कौन चलक उन सारे कन्ने।
दर्शन मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है। हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया चलेगा।
सब मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया मुश्किल आले मौसम मिलन बदते कदम नी रुकी पाने उन कोई रोकी सकदा है रोकी ले आवास है भरोसा है लोकें दे मने दी आस है कोई तोड़ी नी सकदा सही ए अधकन जुड़े दा अथ है अस दिल दी सुनिए निकले दे इस देश ने दिती आवाज है बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक कौन चलक
चलगुण साड़े कंधे जोड़ो यात्रा चली लखा रंग समेटे दे इंद्र धनुष दा वेश कन्या कुमारी थां कश्मीर तक जुड़े दा मेरा देश नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च शादी दे फुल खलारने एक परी पार्टी च मंगाई की चुकाई मनना है बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना लड़ाना है नक्की कन्ने हाथ मलाना है असे धोक दा हाथ बदाना है बोलो साड़े कन्ने कौन चलक बोलो साड़े कन्ने कौन चलक कौन चलक उन साड़े कन्ने राजवीर सिंह नाम है जी मेरा दुकान अपनी है मेन तो ज्यादा रिपेयर का ही काम है इलेक्ट्रिकल में जो आता है फिटिंग वगैरह का काम है बेचने वाली जैसे अभी सर्दी का सीजन है गीजर हीटर वगैरह सर्दी में तो यही चलता है जो पहले काम था वो नहीं रहा गया कुछ इंडस्ट्री मिले वगैरह थी लोहे की बंद हो गई वहां से काम आता था काफी माल भी नहीं बिक रहा सेल भी नहीं हो रही ग्राहक भी कम आ रहे हैं लोगों के पास पैसा होगा तभी चलेगा ना काम जो लेबर वाले हमारे पास 5-7 बंदे होते थे आज एक भी बंदा नहीं है दुकान उनको कहाँ से पैसा देंगे जब अपना ही नहीं चल रहे अभी महंगाई इतनी है जो कनक 12-15 रुपए किलो थी इस टाइम वो 28-30 रुपए का मिल रहा है गरीब आदमी किधर जाएगा बिजली के बिल आपको दिखा सकता हूँ अभी भी भरने वाले पड़े पहले कोई टैक्स का इतना चक्कर नहीं पड़ता जीएसटी के आने से पहले तो ठीक ही था काम चल रहा जीएसटी जिस टाइम लागू हुआ उस टाइम तो फिर सख्ताई कर दिया इन्होंने बहुत ज्यादा उस टाइम 12 लाख के करीब लोन लिया 6 महीने बाद उन्होंने 28 का 18% हो गया जीएसटी 10% तो सीधे लॉस हो गया बैंक थोड़ी सुनेगा ये बात वो तो बोलता है सारे पे ब्याज आपको जो कमिटमेंट होगा उसी के हिसाब से देंगे हमारे बिजनेस में तो जैसे पीवीसी पाइप था लेंथ था उसका रेट भी तकरीबन डबल हो गया जैसे पहले एक लेंथ 50 रुपए की थी अब वो 110-115 ऐसे सामान लेने में तो हमें तो मालूम है कि जीएसटी लग के माल आया और जब ग्राहक से मांगते हैं तो ग्राहक कोई लेने को तैयार नहीं होता ट्रांसपोर्ट लाइन है उसमें भी ऐसे ही है वो काम ही ऐसे कर रहे हैं कि जो छोटा व्यापारी है वो तो खत्म ही हो रहा है बड़े जो बंदे हैं उनका उनकी मोनोपोली हो रही है घर चलाने में परेशानियां ही परेशानियां हैं अभी तो ये सोच रहे हैं कि दुकान को बेच के घर पे बैठे कहीं नौकरी कर ले 4 बच्चे हैं वो उनका पढ़ाई का लिखाई का करते तो रेगुलर ना तो स्कूल वालों ने फीस छोड़नी है ऐसे हालात सत श्री अकाल मेरा नाम अपना सरबजीत सिंह है मैंने ग्रेजुएशन किया है मैं अपना टर्बर बांधता हूँ और सिखाता हूँ बच्चों की स्कूल की सेवा करता हूँ अपनी जॉब लेने गया तो मेरे को जॉब नहीं मिली इस देश में रह के और भारतीय एक नागरिक होने के काबिल इस देश में जॉब भी नहीं मिल रहा जॉबलेस हूँ और फिर मैंने अपना खुद का अपना बिजनेस शुरू किया जिसमें टर्बन बांधना सिखाना और देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस बारे में जो 60 रुपये तेल चल रहा था मोदी ने झूठा फैला दिया 35 रुपये तेल चाहिए है अब एक
96 पेट्रोल पहुंच गया है। डीजल तो आपको मालूम है कितना महंगा हो रहा है, महंगाई के नाम तो कितना है। पहले 780 रुपए था सिलेंडर, अब तो 1080 रुपए का हो गया। गरीब आदमी कैसे जिएगा इस बारे में। पैसा फेंको भैया, 3 लाख फेंक दो तुम्हारे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नहीं लेनी तो 9,000-12,000 में अपना प्राइवेट जॉब करो। मैं अपने पास तो पैसा है ही नहीं जितना जो अपना बिजनेस खोल सके हम। ज़्यादातर तो लोग पंजाब से या इंडिया से भागकर वो बाहर की कंट्री में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इधर जॉब नहीं है, उधर जॉब है, पैसा है, मेहनत करते हैं, इधर आके अपना सुख ले लेते हैं। थोड़ा सा जॉब करूंगा तो अपने बच्चों को पाल सकूंगा, रोटी खिला सकूंगा, दो टाइम की अच्छी सी ग्रेजुएशन मिलेगी, बच्चे पढ़ पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में तो आदमियों को भी साथ चलना चाहिए इस देश में, क्योंकि भारत पहले अच्छा था, कांग्रेस के राज में चलता था, ये काम चल रहा था, आज सही चल रहा था, वो महंगाई नहीं थी इसमें बारे में। अब जो महंगाई का रोल बन गया है अपना, इसमें थोड़ा सा लगता नहीं। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है, मैं बेसिकली पंचकुला में रहता हूँ। तभी स्टेट बैंक में मैं अधिकारी होता था, तो मैंने 8 साल पहले ही VRS ले लिया। एक पत्रिका भी हम निकालते हैं कुरुक्षेत्र से, देश हरियाणा, जो आज हमने राहुल जी को प्रेजेंट भी की थी। दबे हुए सवाल हैं जो इस यात्रा के माध्यम से आने चाहिए, ऊपर आने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी सवाल है, उन सवालों को मैंने उठाया। राहुल जी को मैंने जब बताया कि ये मेरा आर्टिकल है और ये बहुत क्रिटिकल भी है, मतलब उन्हें ये लगा कि अच्छी बात है, कुछ क्रिटिकल भी दिख रहा है, कुछ इस टाइप का उन्होंने एहसास किया। और हरियाणा में जो सिविल सोसाइटी को कोऑर्डिनेट करने का काम है वो मैं कर रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव अगर नहीं होता तो जो एक राजनीतिक ऊर्जा का चैनलाइजेशन होना चाहिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए, नफरत के खिलाफ, और जो एक डिवाइड क्रिएट हो गया है सोसाइटी के अंदर, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को तोड़ने के लिए और अल्टीमेटली देश को तोड़ने की दिशा में था, उसको इसने ब्रेक लगाया है, बड़े अच्छे ब्रेक लगाया है। तो यात्रा में जब कहते हैं कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, ये ही अपने आप में इतना बड़ा संदेश है। ये एक हिस्टोरिकल ज़रूरत थी। जो भी संजीदा किस्म के लोग हैं, जो गंभीर व्यक्ति है, जो चाहते हैं कि सोसाइटी का भला हो, जिनका सोशल ओरिएंटेशन है, उन्हें इस यात्रा को संकीर्ण दायरे में ना देखते हुए, एक पार्टी से ना जोड़ते हुए, इसको अपनी यात्रा माने और इसके संदेश को जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सके करें, क्योंकि ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। मेरा नाम जसविंदर कौर है, असी खेतीबाड़ी करते सन 700 जो हुए से किसान अंदोलन, जैसे मेरा बेटा भी है, वो भी शहीद हुआ है। मेरा नाम गुड्डी है, मेरा पति किसान आंदोलन में शहीद हो गया। मेरा नाम चरणजीत कौर है जी, मेरा भाई था हरविंदर आंदोलन में किसानों के शहीद हो गए। मोदी सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही किसानों के लिए, इतना शहीद ही नहीं होते, जब कुछ करती तो इसने कुछ भी किया। 700 आदमी शहीद हुआ ऐसे, अभी इसने कुछ भी बनाया ही नहीं, अभी सरकार ही किसानों हो गए, असी कहने सरकार बदले। किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, ना फसल के रेट बढ़ा रहा, ना बालकों की नौकरी लगा रहा, सब कुछ बालक फांसी खा कर मरने लग रहे हैं। उनके भविष्य के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ तो चाहिए बच्चों के लिए। और हमारे पति शहीद हुए थे तो उन्होंने कही थी नौकरी मिलेगी उनके परिवार को, बच्चों को कुछ सहायता नहीं दी, नौकरी नहीं दी। मेरे बेटे का लड़का 9 साल का है, वो बहू ही पूरी हो गई पहले 2 साल, उसका कोई भी नहीं है मेरे तो बिना। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अच्छा ख्याल है, किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं, 2 लाख रुपए की सहायता दी थी उन्होंने अच्छा काम किया। हम तो ये कहना चाहते हैं जी, राहुल जी बने, दीपेंद्र की सरकार आए, अच्छा काम कर रहे हैं भारत जोड़ो आंदोलन के लिए।
here at the Bharat Jodo Yatra to add my little bit to what I think is a historic occasion where an effort is being made to no less than save the soul of our country. I've been watching the Yatra and its impact and trying to assess, you know, how people are responding. And what I have seen is that day by day the attitude to the Yatra started changing. Because this Yatra, which is giving a message to our country, is giving a message of brotherhood, of friendship, and is raising the issues of poor people. And all these things are disappearing from our society, like in a way. मुझे लगता है कि राहुल जी का ये जो बात है ना, ये लोगों को अपील करिए कि हम आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत समय गुजर गया जबकि हमारे राजनीतिक समाज ने हमारे लोगों की जो आवाज़ है, उनके जो दिल की बात है, उसको सुनना बंद कर दिया. My one regret always was that I wasn't born at the time of the freedom struggle. So I am really delighted to have this opportunity of being part of something of which the people are a part. I think that's what's most important. A historical process in which people are the main motivators. And I think people also appreciate when Rahul Gandhi started saying that we don't get tired because you give us your love and your energy. मुझमें कोई थकान नहीं है. जैसा आज सुबह मैं दिख रहा हूँ, वैसा ही मैं शाम को दिखूंगा. क्योंकि हम अपनी अपनी शक्ति से नहीं चल रहे हैं. हम आपके मोहब्बत और आपकी शक्ति के साथ चल रहे हैं. आपने पूरी शक्ति अपनी डाल दी इस यात्रा में, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं. जो यात्रा को हम अपना प्यार दे रहे हैं, अपनी सपोर्ट दे रहे हैं, उससे यात्रा को शक्ति मिल रही है. मेरे यहाँ से कम 40-50 किलोमीटर गांव पड़ता है. सुबह 5 बजे से मैं खड़ा हूँ यहाँ पर लाल जी को मिलने के लिए. राहुल गांधी से मिले ऐसा लगा भी मेरा अभी भी दिल, जैसे पंजाबी बोलते हैं, बागो बाग हो गया. जैसे भाइयों को मिलते हैं, जप्पी डाली मैंने, हक करी. मैं तो इतना हैरान हूँ भी वो इतने माइनस में वो टेम्परेचर में टी शर्ट में चल रहे हैं. वो क्या स्टील डाल रखी है उनके बाजुओं में. बातें अपने स्पोर्ट्स मैन की कि मेरा पंजाब को तरक्की मिलनी चाहिए, कि मेरा पंजाब खुशहाल रहे. मेरे पंजाब को आप देखो कि जू थोड़ा सा नशे की तरफ जा रहा है, तो आप ध्यान रखो अपने पंजाब का. आपका ही पंजाब है. भारत में यार सभी को पता ही है अभी क्या चल रहा है. अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रही है. गरीब जनता गरीब हो रही है, अमीर जनता अमीर हो रही है. गरीब आदमी स्पोर्ट्समैन नहीं कर सकता. एज ए रेसलर मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ अपने राहुल भाई से, गरीब आदमी को थोड़ा सा बढ़ावा दो, गरीब आदमी को आगे लेके आओ. गरीब आदमी बहुत ज्यादा टैलेंट है. पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में गरीब आदमी में टैलेंट है. जूत बहुत पीछे है आपके, बहुत प्यार करता है आपको जूत. मेरा नाम आयुष जैन है और हम सारे मेंबर्स द राउंड टेबल इंडिया से हैं. राउंड टेबल इंडिया एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है जिसके अंदर हमारा पर्पस है कि हम मैक्सिमम CSR के थ्रू कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके हम मैक्सिमम अंडर प्रिविलेज्ड पीपल और बच्चों तक पहुंच सकें और एजुकेशन और हेल्थ केयर में काम कर सकें. हमने अराउंड 7,000 से ज्यादा क्लासरूम रेडी किए हैं एंड 8.7 मिलियन बच्चों को इम्पैक्ट किया है. Most importantly, we talked about how we can work on skill development, and it was a very interesting viewpoint that he had. He said India is full of skill developed people. I think that is never a deficit. I think he talked about skill assessment. He said about giving access to financial markets. He also talked about real world examples. I think education is a great unifier because agar education level pe hum sensitize kar sakein cultures ko, religions ko, I think a lot of harmony would be there. Giving access to industries is the most important aspect that government needs to look at when it comes to skill development. Kyunki ITIs hain, wo to skill develop kar hi rahe hain, but to connect them to the real world is going to be the most important aspect. Agar access ho aur opportunity ho aur understanding ho global markets kaise work karti hain. हम अपने ट्रस्ट के थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि एजुकेशन के लिए, अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए हम जितना कर सके सारे मिलके हम करें. और आई होप कि राहुल गांधी जी भी इसका मैसेज जो है इस यात्रा के थ्रू पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड देंगे.
जोड़ो भारत जोड़ो, भारत मेरा जुड़ा रहे। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत मेरा जुड़ा रहे। मेरा नाम महेश मालवी है और मैं ग्राम कड़लावा तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे भारत यात्रा में जाना चाहिए, कि मेरा जन्मदिन से यात्रा शुरुआत हो रही है। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, इसलिए मैं शुरू से कांग्रेस के पक्ष में रहा हूँ। जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, जोड़ो जोड़ो। मेरी पत्नी कला मालवी 2010 में चुनाव लड़ी प्रथम बार, तो वहाँ से हम जीते। 2015 में फिर चुनाव लड़ी तो वहाँ से भी हम जीते जिला पंचायत के रूप में, और मैं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पे रहा राजनीतिक स्तर से, और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रूप में दोनों ने भरपूर सेवा दिया। हमारा देश बिखर रहा, सभी धर्मों का यहाँ संगम है, लेकिन हम सब यहाँ बिखरने की वजह से कांग्रेस सभी को साथ लेकर के चल रही है। तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा से मैं कन्याकुमारी से जुड़ा, ताकि हमारे देश की स्थिति में सुधार हो, महंगाई में सुधार हो। आप गैस सिलेंडर को देखिए, जब हमारी सरकार थी उस टाइम पे 400 के लगभग था और आज 1100 के लगभग पहुंच चुका है। पेट्रोल देख लीजिए, आप हमारे कांग्रेस पार्टी का शासन था उस टाइम पे, आपने देखा होगा 60 रुपए था और आज 107 106 के लगभग पहुंच चुका है। तो ये देखते हुए राहुल साहब और हमारे पार्टी के सभी लीडर ने मिल करके भारत जोड़ो यात्रा के रूप में प्रयास कर रहे हैं, और हम सब देख रहे हैं परम आदरणीय राहुल जी के साथ में पूरा जन सैलाब, लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। भारत निवासियों से निवेदन करता हूँ कि सब इस यात्रा से जुड़े और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश प्राप्त करें, और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए है साथियों। इसलिए आप सब हमारे परम आदरणीय राहुल जी गांधी साहब से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े और जुड़ करके देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। चले।
तूफान उठन मुश्किल आले मौसम मिलन पद दे कदम नी रुकी पाने उन कोई रोकी सकदा है रोकी ले आवास है भरोसा है लोके ते मने दी आस है कोई तोड़ी नी सकदा सही ए अदरकन जुड़दा हथ है अस दिल दी सुनिए निकले दे इस देश ने दिती आवाज है बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक उन सारे कन्ने इक तेरा कदम इक मेरा कदम मिली जाए जुड़ी जाए नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च शादी दे फुल खलारने एक परी पार्टी च मंगाई की चुकाई मनना है बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना है नक्की कन्ने हथ मलाना है असे धोखदा कौन चलग उन सारे कन्ने इक तेरा कदम इक मेरा कदम मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया मिल जाए जुड़ जाए अपना
चली भारत जोड़ो यात्रा चली लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माली में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से बचा लड़ा
तूफान उठन मुश्किल आले मौसम मिलन पद दे कदम नी रुकी पाने उन कोई रोकी सकदा है रोकी ले आवास है भरोसा है लोकें दे मने दी आस है कोई तोड़ी नहीं सकदा सही ए अधकन जुड़े दा अथ है अस दिल दी सुनिए निकले दे इस देश ने दिती आवाज है बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक कौन चलक उन सारे कन्ने इक तेरा कदम इक मेरा कदम मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन मिली जाए नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च छाती दे फुल खलारने एक परी पार्टी च मंगाई की चुकाई मनना है मनना है बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना है लड़ाना है तरक्की कन्ने हथ मलाना है असे धोक दा हथ बदाना है सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक उन सारे कन्ने लाना है
बोलो साढ़े कन्ने कौन चलग, कौन चलग उन साढ़े कन्ने। राजवीर सिंह नाम है जी, दुकान अपनी है। मेन तो ज्यादा रिपेयर का ही काम है, इलेक्ट्रिकल में जो आता है फिटिंग वगैरह का काम है। बेचने वाली जैसे अभी सर्दी का सीजन है, गीजर हीटर वगैरह सर्दी में तो यही चलता है, जो पहले काम था वो नहीं रहा हो गया। कुछ इंडस्ट्री मिले वगैरह थी लोहे की, बंद हो गई, कहाँ से काम आता था, काफी माल भी नहीं बिक रहा, सेल भी नहीं हो रही, ग्राहक भी कम आ रहा है। लोगों के पास पैसा होगा तभी चलेगा ना काम। जो लेबर वाले हमारे पास 5-7 बंदे होते थे, आज एक भी बंदा नहीं है दुकान, उनको कहाँ से पैसा देंगे जब अपना ही नहीं चल रहे। अभी महंगाई इतनी है, जो कनक 12-15 रुपए किलो थी, इस टाइम वो 28-30 रुपए का मिल रहा है। गरीब आदमी किधर जाए। बिजली के बिल आपको दिखा सकता हूँ, अभी भी भरने वाले पड़े। पहले कोई टैक्स का इतना चक्कर नहीं पड़ता। GST के आने से पहले तो ठीक ही था काम चल रहा। GST जिस टाइम लागू हुआ उस टाइम तो फिर सख्ताई कर दिया इन्होंने बहुत ज्यादा। उस टाइम 12 लाख के गरीब लोन लिया, 6 महीने बाद उन्होंने 28 का 18% हो गया GST, 10% तो सीधे लॉस हो गया। बैंक थोड़ी सुनेगा ये बात, वो तो बोलता है सारे पे ब्याज आपको जो कमिटमेंट होगा उसी के हिसाब से देंगे। हमारे बिजनेस में तो जैसे PVC पाइप था, लेंथ था, उसका रेट भी तकरीबन डबल हो गया। जैसे पहले एक लेंथ 50 रुपए की थी, अब वो 110-115 ऐसे। सामान लेने में तो हमें तो मालूम है कि GST लग के माल आया है, और जब ग्राहक से मांगते हैं तो ग्राहक कोई लेने को तैयार नहीं होता। ट्रांसपोर्ट लाइन है उसमें भी ऐसे ही है, वो काम ही ऐसे कर रहे हैं कि जो छोटा व्यापारी है वो तो खत्म ही हो रहा है, बड़े जो बंदे हैं उनका उनकी मोनोपोली हो रही है। घर चलाने में परेशानियां ही परेशानियां हैं। अभी तो ये सोच रहे हैं कि दुकान को बेच के घर पे बैठे कहीं नौकरी कर ले। 4 बच्चे हैं, वो उनका पढ़ाई का लिखाई का खर्चे तो रेगुलर, ना तो स्कूल वालों ने फीस छोड़नी है, ऐसे हालात। सत श्री अकाल, मेरा नाम अपना सरबजीत सिंह है, मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैं अपना टर्बर बांधता हूँ और सिखाता हूँ, बच्चों की स्कूल की सेवा करता हूँ। अपनी जॉब लेने गया तो मेरे को जॉब नहीं मिली। इस देश में रह के और भारतीय एक नागरिक होने के काबिल इस देश में जॉब भी नहीं मिल रहा, जॉबलेस हूँ। और फिर मैंने अपना खुद का अपना बिजनेस शुरू किया, जिसमें टर्बन बांधना सिखाना। और देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस बारे में। जो 60 रुपये तेल चल रहा था, मोदी ने झूठा फैला दिया, 35 रुपये तेल चाहिए है, अब 196 पेट्रोल पहुँच गया है। डीजल तो आपको मालूम है कितना महंगा हो रहा है, महंगाई के नाम तो कितना है। पहले 780 रुपये था सिलेंडर, अब तो 1080 रुपये का हो गया। गरीब आदमी कैसे जिएगा इस बारे में। पैसा फेंको भैया, 3 लाख फेंक दो, तुम्हारे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नहीं लेनी तो 9,000-12,000 में अपना प्राइवेट जॉब करो। मैं अपने पास तो पैसा है ही नहीं इतना जो अपना बिजनेस खोल सके हम। ज़्यादातर तो लोग पंजाब से या इंडिया से भागकर वो बाहर की कंट्री में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इधर जॉब नहीं है, उधर जॉब है, पैसा है, मेहनत करते हैं, इधर आके अपना सुख ले लेते हैं। थोड़ा सा जॉब करूंगा तो अपने बच्चों को पाल सकूंगा, रोटी खिला सकूंगा, 2 टाइम की अच्छी सी ग्रेजुएशन मिलेगी, बच्चे पढ़ पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में तो आदमियों को भी साथ चलना चाहिए इस देश में, क्योंकि भारत पहले अच्छा था, कांग्रेस के राज में चलता था, ये काम चल रहा था, आज सही चल रहा था, वो महंगाई नहीं थी इसमें बारे में। अब जो महंगाई का रोल बन गया है अपना, इसमें थोड़ा सा लगता नहीं।
मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है। कदम
चली भारत जोड़ो यात्रा चली जाखो रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में हम अमन के फूल खिलाएंगे उठन
मुश्किल वाले मौसम मिले बदते कदम नी रुकी पाने उन कोई रोकी सकता है रोकी ले आवास है भरोसा है लोकें ते मने दी आस है कोई तोड़ी नहीं सकता सही ए अदरकन जुड़े दा अथ है अस दिल दी सुनिए निकले दे इस देश ने दिती आवाज है बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक उन सारे कन्ने नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च शादी दे फुल खलारने एक परी पार्टी च मंगाई की चुकाई मनना है बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना है तरक्की कन्ने हथ मलाना है असें थोक दा हथ बदाना बोलो सारे कन्ने कौन चलक उन सारे कन्ने भारत जो
गली गली परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा यात्रा रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। हाथ जुड़ेंगे जब देश जुड़ेगा, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। कौन चलग उन सारे कन्ने।
चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। पहले ही वीआरएस ले लिया। एक पत्रिका भी हम निकालते हैं कुरुक्षेत्र से, देश हरियाणा, जो आज हमने राहुल जी को प्रेजेंट भी की थी। दबे हुए सवाल हैं जो इस यात्रा के माध्यम से आने चाहिए, ऊपर आने चाहिए, जो बहुत जरूरी सवाल है, उन सवालों को मैंने उठाया। राहुल जी को मैंने जो बताया कि ये मेरा आर्टिकल है और ये बहुत क्रिटिकल भी है, मतलब उन्हें ये लगा कि अच्छी बात है, कुछ क्रिटिकल भी दिख रहा है, कुछ इस टाइप का उन्होंने एहसास किया। और हरियाणा में जो सिविल सोसाइटी को कोऑर्डिनेट करने का काम है वो मैं कर रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत जरूरी इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव अगर नहीं होता तो जो एक राजनीतिक ऊर्जा का चैनलाइजेशन होना चाहिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए, नफरत के खिलाफ, और जो एक डिवाइड क्रिएट हो गया है सोसाइटी के अंदर, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को तोड़ने के लिए और अल्टीमेटली देश को तोड़ने की दिशा में था, उसको इसने ब्रेक लगाया है, बड़े अच्छे ब्रेक लगाया है। तो यात्रा में जब कहते हैं कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, ये ही अपने आप में इतना बड़ा संदेश है। ये एक हिस्टोरिकल जरूरत थी। जो भी संजीदा किस्म के लोग हैं, जो गंभीर व्यक्ति है, जो चाहते हैं कि सोसाइटी का भला हो, जिनका सोशल ओरिएंटेशन है, उन्हें इस यात्रा को संकीर्ण दायरे में ना देखते हुए, एक पार्टी से ना जोड़ते हुए, इसको अपनी यात्रा माने और इसके संदेश को जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सके करें, क्योंकि ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। मेरा नाम जसविंदर कौर है। असी खेतीबाड़ी करते सन 700 जो होए से किसान अंदोलन, जैसे मेरा बेटा भी है, वो भी शहीद हुआ है। मेरा नाम गुड्डी है। मेरा पति किसान आंदोलन में शहीद हो गया। मेरा नाम चरणजीत कौर है जी। मेरा भाई था हरविंदर जी, आंदोलन में किसानों के शहीद हो गए। मोदी सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही किसानों के लिए, इतना शहीद ही नहीं होते जब कुछ करती तो। इसने कुछ भी किया, 700 आदमी शहीद हुआ ऐसे, अभी इसने कुछ भी बनाया ही नहीं। अभी सरकार ही किसानों हो गए, ऐसे कहने सरकार बदले, किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, ना फसल के रेट बढ़ा रहा, ना बालकों की नौकरी लगा रहा, सब कुछ बालक फांसी खा कर मरने लग रहे हैं। उनके भविष्य के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ तो चाहिए बच्चों के लिए। और हमारे पति शहीद हुए थे तो उन्होंने कही थी नौकरी मिलेगी उनके परिवार को, बच्चों को, कुछ सहायता नहीं दी, नौकरी नहीं दी। मेरे बेटे का लड़का 9 साल का है, वो बहू ही पूरी होगी से पहले 2 साल, उसका कोई भी नहीं है मेरे तो बिना। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अच्छा ख्याल है, किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं। 2 लाख रुपए की सहायता दी थी उन्होंने अच्छा काम किया। हम तो ये कहना चाहते हैं जी, राहुल जी बने, दीपेंद्र की सरकार आए, अच्छा काम कर रहे हैं भारत जोड़ो आंदोलन के लिए। I'm here at the Bharat Jodo Yatra to add my little bit to what I think is a historic occasion where an effort is being made to no less than save the soul of our country. I've been watching the Yatra and its impact and trying to assess, you know, how people are responding. And what I have seen is that day by day the attitude to the yatra started changing, kyunki ye yatra jo ek sandesh de rahi hai hamare desh ko, wo bhaichare ka, pyar ka, dosti ka sandesh de rahi hai aur gareeb logo ke mudde utha rahi hai, aur ye sab cheeze jo hai hamare samaj se jaise ek tarah se gayab ho gayi thi। Mujhe lagta hai ki Rahul ji ka ye jo
बात है ना, ये लोगों को अपील करिए कि हम आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत समय गुजर गया जबकि हमारे राजनीतिक समाज ने हमारे लोगों की जो आवाज़ है, उनके जो दिल की बात है, उसको सुनना बंद कर दिया। My one regret always was that I wasn't born at the time of the freedom struggle. So I am really delighted to have this opportunity of being part of something of which the people are a part. I think that's what's most important. A historical process in which people are the main motivators. And I think people also appreciate when Rahul Gandhi started saying that we don't get tired because you give us your love and your energy. मुझमें कोई थकान नहीं है, जैसा आज सुबह मैं दिख रहा हूँ वैसा ही मैं शाम को दिखूंगा, क्योंकि हम अपनी अपनी शक्ति से नहीं चल रहे हैं, हम आपके मोहब्बत और आपकी शक्ति के साथ चल रहे हैं। आपने पूरी शक्ति अपनी डाल दी इस यात्रा में, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो यात्रा को हम अपना प्यार दे रहे हैं, अपनी सपोर्ट दे रहे हैं, उससे यात्रा को शक्ति मिल रही है। मेरे यहाँ से कम 40-50 किलोमीटर गांव पड़ता है, सुबह 5 बजे से मैं खड़ा हूँ यहाँ पर राहुल जी को मिलने के लिए। राहुल गांधी से मिले ऐसा लगा भी मेरा अभी भी दिल, जैसे पंजाबी बोलते हैं, बागो बाग हो गया, जैसे भाइयों को मिलते हैं, जप्पी डाली मैंने, हक करी, मैं तो इतना हैरान हूँ भी वो इतने माइनस में वो टेम्परेचर में टी शर्ट में चल रहे हैं, वो क्या स्टील डाल रखी है उनके बाजुओं में। बातें अपने स्पोर्ट्स मैन की कि मेरा पंजाब को तरक्की मिलनी चाहिए, कि मेरा पंजाब खुशहाल रहे, मेरे पंजाब को आप देखो कि जू थोड़ा सा नशे की तरफ जा रहा है, तो आप ध्यान रखो अपने पंजाब का, आपका ही पंजाब है। भारत में यार सभी को पता ही है अभी क्या चल रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रही है, गरीब जनता गरीब हो रही है, अमीर जनता अमीर हो रही है, गरीब आदमी स्पोर्ट्स मैन नहीं कर सकता। एज ए रेसलर मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ अपने राहुल भाई से, गरीब आदमी को थोड़ा सा बढ़ावा दो, गरीब आदमी को आगे लेके आओ, गरीब आदमी बहुत ज्यादा टैलेंट है, पंजाब में पूरे हिंदुस्तान में गरीब आदमी में टैलेंट है, जूत बहुत पीछे है आपके, बहुत प्यार करता है आपको जूत। मेरा नाम आयुष जैन है और हम सारे मेंबर्स द राउंड टेबल इंडिया से हैं। राउंड टेबल इंडिया एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है जिसके अंदर हमारा पर्पस है कि हम मैक्सिमम CSR के थ्रू कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके हम मैक्सिमम अंडर प्रिविलेज्ड पीपल और बच्चों तक पहुंच सकें और एजुकेशन और हेल्थ केयर में काम कर सकें। हमने अराउंड 7,000 से ज्यादा क्लासरूम रेडी किए हैं एंड 8.7 मिलियन बच्चों को इम्पैक्ट किया है। Most importantly, we talked about how we can work on skill development, and it was a very interesting viewpoint that he had. He said India is full of skill developed people. I think that is never a deficit. I think he talked about skill assessment. He said about giving access to financial markets. He also talked about real world examples. I think education is a great unifier, because agar education level pe hum sensitize kar sakein cultures ko, religions ko, I think a lot of harmony would be there. Giving access to industries is the most important aspect that government needs to look at when it comes to skill development. Kyunki ITIs hain, wo to skill develop kar hi rahe hain, but to connect them to the real world is going to be the most important aspect. Agar access ho aur opportunity ho aur understanding ho global markets kaise work karti hain. हम अपने ट्रस्ट के थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि एजुकेशन के लिए, अर्थव्यवस्था बच्चों के लिए हम जितना कर सके सारे मिलके हम करें, और आई होप कि राहुल गांधी जी भी इसका मैसेज जो है इस यात्रा के थ्रू पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड देखें। जोड़ो भारत जोड़ो, भारत मेरा जुड़ा रहे, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत मेरा जुड़ा रहे। मेरा नाम महेश मालवी है और मैं ग्राम कड़लावा तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे भारत यात्रा में जाना चाहिए, कि मेरा जन्मदिन से यात्रा शुरुआत हो रही है। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, इसलिए मैं शुरू से कांग्रेस के पक्ष में रहा हूँ। जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो,
जोड़ो जोड़ो। मेरी पत्नी कला मालवी 2010 में चुनाव लड़ी प्रथम बार, तो वहाँ से हम जीते। 2015 में फिर चुनाव लड़ी तो वहाँ से भी हम जीते जिला पंचायत के रूप में, और मैं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पे रहा राजनीतिक स्तर से, और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रूप में दोनों ने भरपूर सेवा दिया। हमारा देश बिखर रहा, सभी धर्मों का यहाँ संगम है, लेकिन हम सब यहाँ बिखरने की वजह से कांग्रेस सभी को साथ लेकर के चल रही है, तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा से मैं कन्याकुमारी से जुड़ा ताकि हमारे देश की स्थिति में सुधार हो, महंगाई में सुधार हो। आप गैस सिलेंडर को देखिए, जब हमारी सरकार थी उस टाइम पे 400 के लगभग था और आज 1100 के लगभग पहुंच चुका है। पेट्रोल देख लीजिए, अब हमारे कांग्रेस पार्टी का शासन था उस टाइम पे आपने देखा होगा 60 रुपए था और आज 107 106 के लगभग पहुंच चुका है। तो ये देखते हुए राहुल साहब और हमारे पार्टी के सभी लीडर ने मिलकर के भारत जोड़ो यात्रा के रूप में प्रयास कर रहे हैं, और हम सब देख रहे हैं परम आदरणीय राहुल जी के साथ में पूरा जन सैलाब लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। भारत निवासियों से निवेदन करता हूँ कि सब इस यात्रा से जुड़े और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश प्राप्त करें, और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए है साथियों। इसलिए आप सब हमारे परम आदरणीय राहुल गांधी साहब से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े और जुड़ करके देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जोड़ो जोड़ो भारत, जोड़ो नफरत, जोड़ो भारत। मुश्किल आले मौसम मिलन बद दे कदम नी रुकी पाने उन कोई रोकी सकदा है रोकी ले आवास है परोसा है लोके ते मने दी आस है कोई तोड़ी नी सकदा सही ए अधकन जुड़दा अथ है अस दिल दी सुनिए निकले दे इस देश ने दिती आवाज है बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक उन सारे कन्ने इक तेरा कदम इक मेरा कदम मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन मिली जाए चली भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली लखा रंग समेटे दे इंद्रधनुष दा वेश कन्याकुमारी थां कश्मीर तक जुड़े दा मेरा देश नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च शांति दे फुल खलारने महंगाई की चुकाई मनना है बेरोजगारी कन्ने पंजा लड़ाना तरक्की कन्ने हथ मलाना है असें थोक दा हथ बदाना है बोलो सारे कन्ने कौन चलक बोलो सारे कन्ने कौन चलक चलग उन सारे कन्ने इक तेरा कदम इक मेरा कदम मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन मिली जाए जुड़ी जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 चली
यात्रा चली। चली 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 भारत जो